अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश आबाद रखें। आमीन सुमा आमीन। तो व्लॉग का स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक के बटन पर भी अंगूठा चिपका दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। जजाकल्ला। तो ये व्लॉग जो है मैंने बाहर से स्टार्ट किया है। हम लोग बैंक जा रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन करवानी थी। तो हम लोग जो है ना पहले बैंक गए हैं और ये बैंक जो है ये सदर में है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो हस्बैंड जो हैं वो काउंटर पे कुछ यानी कि अपने मामलात कर रहे हैं और मैं और वोसिया जो है हम लोग इधर वेटिंग एरिया में आ गए थे क्योंकि काफ़ी लंबी जो है वो लाइन थी और इधर जो है काफ़ी टाइम लगा था उन्हें। और आपको पता है ड्यू टू कोरोना जो है ना काफ़ी डिस्टेंस से भी बिठाते हैं और काफ़ी जो है ना स्लो यानी कि सर्विस होगी है आराम आराम से और इस तरह ना काफ़ी टाइम लग गया था। तो हम लोग इधर वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे और वो जो है वो गोसिया जो है वो चेयर पे झूले ले रही है क्योंकि बच्चों को आपको पता है वो फारिग तो बैठते ही नहीं है, कुछ ना कुछ जो है वो करते रहते हैं। तो हम लोग जो है जब मैं और गोसिया जो है हम लोग इधर वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे तो वो जितना टाइम था वो उसको बहुत ना मज़ा आ रहा था इस चेयर पे ना वो राउंड घूम घूम के ना तो इन्जॉय कर रही थी काफ़ी ना। तो ये देखिए बैंक की थोड़ा सा फिर मैंने शूट किया था क्योंकि आपको पता है पब्लिक एरियाज़ जो होते हैं इस तरह फिर वहाँ पे ज़्यादा जो है वो नहीं शूट किया जा सकता। तो बस थोड़ी सी जो है मैंने कल बना ली थी वीडियो और उसके बाद जो है हम लोग वापस आ रहे हैं। खैर वापस घर तो नहीं आ रहे क्योंकि हमारा जो बेड है ना उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई है और टूट गया है बिल्कुल। काफ़ी अरसे से जो हम गुजारा कर रहे थे लेकिन ये कि अब उसकी हालत जो है ना वो बहुत ख़राब हो गई है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको सेल करके हम लोग जो है ना वो नया बेड जो है वो परचेज़ कर लें। लेकिन जितनी हमारी रेंज थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें नहीं मिल रहा था क्योंकि जब आप मार्केट जाते हो और आपकी नज़र जो है वो सबसे अच्छी चीज़ पे ही पड़ती है और आपका दिल भी करता है कि मैं ना बस यही चीज़ लूँ। तो हम लोग भी इधर जो है फर्नीचर मार्केट में जो है हमारे घर के नियर ही यानी कि जो है फर्नीचर मार्केट हम लोग उधर आए हैं और ये देखें कितने अच्छे यहाँ पे डिज़ाइंस के सोफ़ा सेट्स थे और जिस तरह यानी कि जो भी फर्नीचर होता है वो था। तो बस ये कि हम लोग भी डिसाइड कर रहे थे, डिसाइड हो नहीं पा रहा था क्योंकि जो बेड हम सेल कर रहे थे उसकी वो प्राइस हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि घर आई हुई चीज़ की जो है ना वो वैल्यू कम हो जाती है और मार्केट से जब आप परचेज़ करते हो तो वो फिर दुगनी तिगनी इनकी कीमत में आपको मिलती है। तो हम लोग भी बस इधर यही सोच रहे थे कि क्या करें, उसी को रेनोवेट करवा लें या फिर न्यू जो है वो लेते लें। तो अभी कोई डिसाइड हुआ नहीं है क्योंकि हमने एक दो ऑक्शनर्स से भी बात की है कि लेकिन वो ना बहुत कम जो है वो रेट लगा रहे थे। तो हम लोग फिर उसमें यानी कि इतने मार्जिन नहीं था कि हम लोग जो है ना वो नया बेड ले सकें। तो अभी देखें फिर क्या होता है क्योंकि मेरे और लेना भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस सिंपल सा कोई हम लोग ले लेते हैं। तो फिर मैं कह रही थी कि नहीं लेना है तो बस ऐसा लें कि अच्छा हो और लोग कहें कि हाँ जी बाकी चीज़ ली है ना। तो बस ये हम दोनों में यही बहस चल रही थी कि वो कह रहे थे कि तुम बस ब्यूटी देखती हो, पायदारी नहीं देखती, पहले वाला भी जो फर्नीचर है वो भी तुमने बस जो है ना डीको में ले लिया था कि खूबसूरत लग रहा है लेकिन वो ना इतना अरसा नहीं चला क्योंकि जो चीज़ खूबसूरत होती है वो फिर पायदार नहीं होती। तो जो चीज़ सिंपल होती है जैसे सिंपल जो टाली में बना हुआ था फर्नीचर वो है तो सिंपल लगता लेकिन ये कि वो मजबूती उसमें जो है पायदारी जो है वो बहुत होती है। तो बस खैर इससे अब देखें क्या होता है, अभी फ़िलहाल हमने डिसाइड नहीं किया। तो बस ये कि गोसिया को जो है अभी मैंने अपनी मम्मी की तरफ छोड़ना था क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई है
जिसका बेबी हुआ है तो वो अम्मी की तरफ आई हुई है, तो उसे को भी फिर होता है कि हाँ जी मैंने भी जाना है अम्मी की तरफ, जाना है मैंने बेबी के साथ खेलना है। तो और उसकी अब जो है वो छुट्टियाँ भी हुई हुई हैं, वैसे तो छुट्टियाँ कब से ही हुई हुई हैं कोरोना की वजह से, लेकिन यह है कि वो जो उसको काम तो आता था लेकिन अब जो है ना काम नहीं आ रहा, तो बस ये है कि फिर वो कह रही कि मैंने जाना है, तो फिर वो इधर आके अपनी मेरा भांजे तो उसके साथ जो है वो खेल रही है। फिर हम उसको छोड़ के आ गए थे, चाय वगैरह हमने पी थी, फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। और यहाँ पे ये है कि मैं आपको देखिए रिव्यू दे रही हूँ फेस वॉश का, ये ओरिफ्लेम की जो है कंपनी है, ओरिफ्लेम जो ब्रांड है उसका फेस वॉश है। पहले मैंने आपको एक ओरिफ्लेम की हैंड एंड फुट क्रीम का जो है वो दिया था रिव्यू, और वो भी मेरा पर्सनल रिव्यू था, कोई मैं इनकी सेलर नहीं हुई है, मैंने कोई ओनरशिप नहीं ली हुई, लेकिन फिर मैं जो यानी कि यूज़ किया है और अच्छी यानी कि मुझे लगा है, तो मैंने कहा चलिए बता दूँ, किसी का फ़ायदा हो किसी का भला हो तो अच्छी बात है। तो मैंने वो हैंड एंड फुट क्रीम यूज़ की थी इस ब्रांड की, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था, तो फिर मैंने कहा मैं ये भी जो है फिर मैंने ये फेस, क्योंकि आपको एक किसी चीज़ पे ट्रस्ट हो जाता है तो फिर आप जो है ना वो इजीली जो है उसको वो यूज़ कर लेते हैं। तो बस मुझे भी ये फेस वॉश जो है ये बहुत अच्छा है, विद विटामिन ई एंड कैनोला ऑयल है, और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, डर्माटोलॉजी के लिए जो है वो टेस्टेड है ये, और बहुत ही अच्छा है। जिस तरह मिनी फेशियल होता है उस तरह का है, अगर आप इससे सुबह उठ के अपने फेस की क्लींजिंग कर लेते हो तो फिर आपको कोई और टोनर या मॉइस्चराइजिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये सारी ऑल टाइप्स जो है वो स्किन पे जो है यूज़ हो सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस मंथ जो है ना ये लास्ट मंथ था, तो इस पे जो है वो सेल थी, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब मैं देखती रहती हूँ जब प्राइस थोड़े कम होते हैं किस चीज़ के सेल में वो प्राइस प्रोडक्ट आती है, तो फिर मैं उसको बाय कर लेती हूँ। तो वैसे इसकी ये जो प्राइस है वो 1000 है, तो इस माह जो है ये 750 का जो है ना सेल प्राइस में था, तो फिर मैंने इसको बाय कर लिया। और ये मेरा दूसरा यानी कि है एक मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और वो काफ़ी टाइम तकरीबन 3 मंथ्स मेरा जो है ना एक फेस वॉश चल गया था। टू टाइम जो है डे में यूज़ करती हूँ इसको, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है, और मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती, इवन कि मैंने कभी अपनी स्किन पे जो है ना वो फेशियल भी नहीं करवाया, क्योंकि उससे भी ना मेरी स्किन पे पिंपल्स और रैशेज हो जाते हैं, बहुत ही सेंसिटिव जो है वो मेरी स्किन है। तो बस मैं फिर ना सोच समझ के ना चीज़ें जो है वो यूज़ करती हूँ। तो ओरिफ्लेम का जो है वो मैंने ब्रांड का सुना तो बहुत था, लेकिन ये है कि सुनने में और यूज़ करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जब मैंने इसकी हैंड एंड फुट क्रीम यूज़ की तो मुझे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले थे, तो फिर मैंने ना इसका फेस वॉश भी जो है वो परचेज कर लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका रिजल्ट, यानी कि 100% जो है वो रिज़ल्ट था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो बस ये कि एक छोटी सी सेरेमनी थी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनका भतीजा है उसकी शादी थी, और अभी हमारा कन्फर्म नहीं है कि जाना है कि नहीं जाना, सो है बस। तो फिर भी मेरे हस्बैंड ये है कि मेरे लिए एक ड्रेस लेके आए थे उधर, यानी कि अगर जाना पड़ गया हमें तो टेंशन ना हो कि यानी कि तैयारी जो है होनी चाहिए। तो बस ये देखेंगे, इसका दुपट्टा है मसूरी टाइप ही है, रेडीमेड सूट है ये। तो ये देखिए दुपट्टे के जो बॉर्डर हैं यानी कि जो पल्लू हैं उन पे वो लेस लगी हुई थी, और शाइनिंग में ये इसका दुपट्टा था, और जो इनर है वो भी शाइन उसी कपड़े का है, जिस कपड़े का दुपट्टा था वो शाइनिंग से वाले का, और उसी कपड़े का जो है वो नीचे मैक्सी टाइप जो वो बना हुआ था, और उसके ऊपर जो है ये देखिए वेलवेट का गाउन है, और इस पर बहुत ही प्यारा जो है ना सही शाइनिंग वाला जो काम होता है, और बड़ा खूबसूरत सा जो है वो बना हुआ है।
बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा था, और कलर कॉम्बिनेशन भी पर्पल और गोल्डन की बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे नहीं लेके गए साथ, लेकिन खुद ही लेके आए थे। लेकिन ये कि बहुत अच्छा था। अक्सर ये होता है कि वो चीज़ लेके आते हैं मुझे पसंद नहीं आती, तो उनके गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारे ना बहुत यानी कि वो नखरे हैं तो तुम कोई चीज़ पसंद नहीं करती। क्योंकि खाने का तो और होता है, खाने में मैं नखरे नहीं करती, लेकिन पहनने में ना थोड़ा सा होता है। उनकी चॉइस जो है वो थोड़ी डिफरेंट है और मेरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो इसलिए ना उनको उनको यह है कि लाइट कलर्स जो है वो ज़्यादा पसंद है, और मुझे थोड़े से ना डार्क और खिले खिले कलर पसंद है। बस हमारी ना चॉइसिस में ये डिफरेंस है कि वो जो है वो कहते हैं लाइट कलर पहना करो, और मुझे जो होता है मैं कहती हूँ मुझे डार्क कलर। तो ये दफ़ा जो है वो मेरे लिए डार्क कलर लेके आए थे, तो मुझे ना फिर अच्छा लगा। तो कह रहे हैं शुक्र है तुझे भी कोई चीज़ पसंद आई। तो मैंने कहा खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है ना, मुझे पसंद जो है वो आती है, लेकिन चीज़ जो दिल की बात है ना, जो दिल को लगती है फिर। और मेरी आदत ऐसी है ना कि मैं टू द पॉइंट जो है वो बात करती हूँ, और मुझे अच्छी चीज़ लगती है तो मैं कहती हूँ अच्छी लगी, और नहीं अच्छी लगती तो मैं ना कह देती हूँ कि नहीं अच्छी लगी। यानी कि ऐसे नहीं करती कि कुछ लोग होते हैं ना दिल रखने के लिए भी कह देते, लेकिन मुझे होता है कि मैं ना सच बोलूँ, और जो है जो चीज़ है वो ही जो ना करूँ। तो मेरी बल्कि अम्मी मुझे डांटती हैं कि अगर आपको नहीं भी चीज़ जो है कोई पसंद आया करे तो आप हस्बैंड के मुंह पे कह दिया करो कि हाँ जी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये काम पे मेरे से नहीं होता, मैंने कोशिश भी की है लेकिन अक्सर मेरे मुंह से ना सच ही निकल जाता है बस। तो यहाँ पे ये मेरे लिए बैंगल्स भी लेके आए थे, ये आर्टिफिशियल है, गोल्ड की नहीं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड की भी है मेरे पास, लेकिन बस उन्हें अच्छी लगी तो वो ना ये ले आए थे बैंगल्स। क्योंकि मुझे भी ना ज्वेलरी का इतना वो शौक़ नहीं है, लेकिन बैंगल्स और रिंग्स का मुझे बहुत है। तो मुझे ना जहाँ भी अक्सर मैं जाऊँ ना तो मेरे हाथों में लाजमी कुछ ना कुछ होता है, अक्सर कान या चेंज वगैरह इतना जो है वो मैं शौक़ से नहीं पहनती, लेकिन ये कि मुझे रिंग्स का और बैंगल्स का इनका मुझे बहुत शौक है। ये मेरे गोल्ड की भी है और आर्टिफिशियल भी जो है ना वो मैं लेती रहती हूँ न्यू न्यू स्टाइल्स में डिफरेंट, क्योंकि गोल्ड की तो फिर एक जैसी होती हैं जो बना लो तो। पर ये है कि जो आर्टिफिशियल है वो फिर आप जैसे मौका होता है कोई फंक्शन हो कहीं कुछ भी हो तो फिर ये कि आप लोग ले सकते हो, तो फिर अपनी अकॉर्डिंग टू चॉइस के वो ख़रीद सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्योंकि हम सारा दिन बाहर थे तो अम्मी की तरफ से भी काफ़ी लेट आई थी मैं, तो फिर ये कि मैंने फटाफट आलूओं का भुरता बना लिया, और सारी हमारे नेबर से जो है वो दाल आई थी। मुझे ना दाल बहुत पसंद है, तो आंटी को पता है कि मुझे दाल पसंद है, तो अक्सर जब वो दाल बनाती हैं तो मुझे भेज देती हैं। तो बस यहाँ पे फिर जी हम लोग खाना खा रहे थे, और काफ़ी टाइम हो गया था, फिर की भूख लग रही थी काफ़ी। मार्केट्स का जो है विज़िट किया है बेड के लिए, अब देखें क्या होता है, दुआ कीजिएगा कि कोई अच्छा सबब बन जाए, ये बेड जो है वो अच्छी प्राइस में निकल जाए। तो अल्लाह हाफिज़।